हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप अच्छे ही होंगे। वेलकम टू एससी यानी एस स्टडी क्लब। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं यूज ऑफ कैन एंड कुड। तो इस वीडियो को बेसिक से हाई लेवल तक बनाया गया है, यानी कि किसी स्टूडेंट को कैन एंड कुड का सी भी नहीं पता, तो वह इस वीडियो को देखने के बाद उसका यूज आराम से सीख जाएगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिरकार कैन का हिंदी में अर्थ क्या होता है। तो देखते हैं, कैन का अर्थ जो होता है, जैसे कि सकना, सकता है, सकती है या सकता हूँ आदि। तो साथियों, इसका प्रयोग किसी काम को कर सकना, योग्यता, क्षमता या किसी से अनुमति मांगना या संभावना प्रकट करना आदि के लिए प्रयोग किया जाता है। कैन एक मॉडल वर्ब होती है, जैसे कि मैं यह कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। तुम अंग्रेजी बोल सकते हो, यू कैन स्पीक इंग्लिश। अब हम सीखते हैं डिफरेंट टाइप के सेंटेंसों में कैन के यूज। तो चलिए चलते हैं अपने बोर्ड पे और देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं इसके फार्मूले को कि आखिर अफर्मेटिव सेंटेंस में कहाँ पास सब्जेक्ट रखना है, कहाँ पास कैन रखना है, कहाँ पास वर्ब रखना है और कहाँ पास ऑब्जेक्ट रखना है। तो जैसे कि अफर्मेटिव का जो आपका फार्मूला है वह कहता है सब्जेक्ट हमें सबसे पहले रखना है, उसके बाद हमें रखना है कैन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर निगेटिव सेंटेंस अगर आ जाता है तो उसमें करना है सब्जेक्ट सबसे पहले, उसके बाद कैन नॉट या उसको हम कांट भी लिख सकते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट कर देना है। अब अगर सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव रहता है, यानी कि अगर वाक्य हमारा क्या से आरंभ होता है, तो सबसे पहले हमें करना है कैन, उसके बाद करना है सब्जेक्ट और उसके बाद करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद क्वेश्चन मार्क का हमें साइन लगा देना है। अब उसके बाद अगर क्वेश्चन वर्ड यानी कि कब, क्यों, कैसे, क्या, कहाँ ऐसे शब्द अगर वाक्य के बीच में आ जाए, तो उसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें करना पड़ेगा क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद करना है कैन, उसके बाद करना है सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद हमें कर लेना है ऑब्जेक्ट। तो अब हम चलते हैं एग्जाम्पल्स की ओर कि आखिरकार कैसे बनाना है। तो जैसे इसमें लिखा हुआ है तुम जा सकते हो, तो इसे कैसे बनाएंगे? देखिए, ये सिंपल सेंटेंस है यानी कि अफर्मेटिव है, तो सबसे पहले हमें करना सब्जेक्ट यानी कि यू कर लेना है, उसके बाद हमें करना है कैन तो यू कैन कर लेना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यू कैन गो। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। जैसे कि इसमें कहा गया है वह नदी में तैर सकती है, तो सबसे पहले करना होता है हमें सब्जेक्ट यानी कि सी, उसके बाद करना होता है कैन तो सी कैन, उसके बाद करना होता है वर्ब यानी कि स्विम इन द रिवर, सी कैन स्विम इन द रिवर। नेक्स्ट एग्जांपल को, राम कार नहीं चला सकता है। अभी नेगेटिव सेंटेंस वाला आ गया है, तो नेगेटिव सेंटेंस में सब सेम रहेगा, बस कैन या कांट का यूज़ कर देना है। जैसे कि करेंगे राम, उसके बाद कैन या कांट का यूज़ करना है तो हम यहाँ पास कर देंगे राम कांट ड्राइव द कार। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में। जैसे कि इसमें कहा गया है तुम उसे हरा नहीं सकते हो, इसमें भी हम क्या कर देंगे, निगेटिव सेंटेंस है तो करेंगे यू कैन नॉट डिफीट हिम। हम कांट या कैन नॉट का यूज़ दोनों कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल है क्या तुम कार चला सकते हो। अब इसमें ये प्रश्नवाचक वाक्य हो गया, यानी कि क्या से स्टार्ट हुआ है, तो सबसे पहले हमें कैन का यूज़ कर लेना है, तो करेंगे हम कैन, उसके बाद सब्जेक्ट करना होता है कैन यू ड्राइव यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म ड्राइव द कार, उसके बाद ऑब्जेक्ट कर देना होता है और उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल को। जैसे कि इसमें है क्या मैं दौड़ नहीं सकता हूँ, इसमें प्रश्नवाचक के साथ साथ नहीं भी आया है, तो इसको करेंगे कैन सबसे पहले ही कर देना है कैन आई नॉट रन। क्वेश्चन मार्क का साइन हमें जरूर लगा देना है, यहाँ पास गलती से कैपिटल लेटर हो गया है तो यहाँ पास हमने स्मॉल लेटर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल की ओर, जैसे इसमें कहा गया है मैं नाच क्यों नहीं सकता हूँ। अब इस सेंटेंस में प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ गया है, यानी कि सबसे पहले हमें इसकी इंग्लिश लिखना है, तो करेंगे हम वाई, उसके बाद कर देना है कैन तो करेंगे कैन, वाई कैन आई, उसके नहीं भी है तो नहीं है तो नॉट भी कर देंगे, वाई कैन आई नॉट डांस। नेक्स्ट एग्जांपल, तुम कार कैसे चला सकते हो, इसमें भी प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है, तो सबसे पहले हमें इसकी इंग्लिश लिखनी होगी, तो सबसे पहले करेंगे हाउ, उसके बाद करना होता कैन तो कैन, उसके बाद सब्जेक्ट है तो हाउ कैन यू ड्राइव, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म करना होता है और लास्ट में कर देते हैं ऑब्जेक्ट तो कर देते हैं हाउ कैन ड्राइव द कार, हाउ कैन ड्राइव द कार, हाउ कैन
ड्राइव द, हाउ कैन यू ड्राइव द कार। अब हम सीखने वाले हैं कुड का यूज, यानी कि जब वाक्य में सका, सकी, सके या सका था का प्रयोग आए तो हमें कुड का प्रयोग करना है, यानी कि जब कम संभावना हमें प्रकट करना हो तब हमें कुड का प्रयोग करना होता है। यानी कि कैन के अधिक नम्र रूप के तौर पर अनुमति लेने अथवा विनती करने के लिए कुड का प्रयोग किया जाता है। अब हम साथियों चलते हैं डिफरेंट टाइप के सेंटेंस में कुड का यूज़ किस प्रकार होता है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि इसमें दिया गया है, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो उसमें सब्जेक्ट प्लस कुड वर्ब की फर्स्ट नाउन प्लस ऑब्जेक्ट यूज़ करना है। अगर निगेटिव है तो उसमें सब्जेक्ट कुड प्लस नॉट वर्ब के फर्स्ट नाउन प्लस ऑब्जेक्ट कर देना है। इंटरोगेटिव है तो कुड सब्जेक्ट नॉट और उसके बाद वर्ब के फर्स्ट नाउन प्लस ऑब्जेक्ट, सेम सब वैसे ही है कैन के जैसे। अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाता है तो क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश फिर उसके बाद कुड सब्जेक्ट और नॉट उसके बाद वर्ब के फर्स्ट नाउन एंड प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ कर देना है। पढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल्स की ओर। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल कहता है मेरा भाई दिल्ली तक पैदल जा सका, तो इसमें करेंगे माई ब्रदर, उसके बाद कर देना कुड का यूज़, यानी कि करेंगे कुड, उसके बाद कर देना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो ऑन फूट टू दिल्ली, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल कहता है तुम खेल सके, तो करेंगे यू, उसके बाद कुड कर देना है यू कुड प्ले। नेक्स्ट एग्जांपल की ओर, जैसे कि इसमें कहा गया है हम समय पर नहीं पहुंच सके, तो सबसे पहले करना है हमें वी, उसके बाद कर लेना है कोट, उसके बाद करना है नॉट, उसके बाद कर देना है रीच यानी कि वर्ब ऑन, उसके बाद कर देना है टाइम। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा कहता है वह अंग्रेजी नहीं बोल सके, तो सबसे पहले कर देना है सब्जेक्ट यानी कि सी, उसके बाद कर देना है कोट, सी कुड नॉट स्पीक, सी कुड नॉट स्पीक इंग्लिश, सी कुड नॉट स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट एग्जांपल की ओर, जैसे कि इसमें कहा गया है क्या वह इस प्रश्न को हल कर सके, तो करेंगे इसमें सबसे पहले हमें कुड का यूज़ करना है, तो कुड करेंगे उसके बाद सब्जेक्ट कर देना है कुड सी सॉल्व दिस क्वेश्चन, कुड सी सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्क का साइन हमें जरूर कर देना है। नेक्स्ट है इस एग्जांपल को, इसमें कहा गया है क्या मेरा भाई कानपुर तक पैदल जा सका, इसमें भी कैसे स्टार्ट हुआ है यानी कि कुड हमें सबसे पहले कर लेना है, उसके बाद सब्जेक्ट यानी कि माई ब्रदर कुड माई ब्रदर गो ऑन फूट टू कानपुर, ठीक है, क्वेश्चन मार्क का साइन भी बना देना है। नेक्स्ट एग्जांपल है तुम क्यों नहीं खेल सके, अब इसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आ गया है तो सबसे पहले हमें इसी की इंग्लिश लिख लेना है, यानी कि करेंगे पहले व्हाई, उसके बाद हमें करना है कुड, तो कुड की इंग्लिश लिख लेंगे कुड, उसके बाद कर देना है सब्जेक्ट यानी कि हमें करना है यू, अगर उसमें नहीं आया है तो नॉट करेंगे तो ऑब्वियसली नॉट करना ही है, कुड यू नॉट, और उसके बाद खेल नहीं सके तो प्ले कर देना है, उसके बाद आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा व्हाई कुड यू नॉट प्ले। आई होप कैन एंड कुड का यूज़ आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर कहीं भी आपको कोई डाउट है या तो कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।